बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रखा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के रियल रेट के मुताबिक बात कर लेते हैं। आज का जो रियल का एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान के लिए वो 75.72 रुपये जी, और इंडिया की बात करें 21 रुपये प्लस में एंड बांग्लादेश टका 28 टके प्लस में है जी। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बताने से पहले आपको डॉलर के मुताबिक बता दूँ, सैटरडे संडे आपको बताया स्टेट बैंक क्लोज रहता है। आज बहरहाल जो डॉलर है जी वो ओपन मार्केट में 290 रुपये अराउंड में, अभी पिछले तकरीबन 15 दिन से डॉलर यहीं पर रुका हुआ 283-284 स्टेट बैंक का रेट जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो बहरहाल जी अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो इनमें सबसे पहले फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की बात करेंगे, इनका आज का रेट 74.55 रुपये 10, 17 और 25 रियाल इनकी फीस होती है। अगर एसटीसी पे की बात करें तो एसटीसी पे का आज का रेट 74.63 रुपये 10, 17 एंड 23 या 25 रियाल बोल रहे हैं आप, इनकी भी फीस होती है। तहवील राजी बैंक की बात करेंगे तो इनका रेट आज का 74.58 रुपये और 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। इनका वैसे रेट अच्छा है आज राजी बैंक का। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आज आपको वेस्टर्न यूनियन का 74.98 रुपये यानी कि 75 रुपये बोल रहे हैं हाई रेट के साथ, 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है इनकी। मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम आज का रेट 74.60 रुपये रहा और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर टेली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 74.52 रुपये है जी और 15, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर हम इंजाज बैंक की बात करते हैं तो इंजाज बैंक का आज का जो रेट है जी वो 74.62 रुपये और 10, 17 एंड 25 रियाल फीस। और अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे आज का जो रेट है जी वो 74.88 रुपये है जी, इनका भी हाई रेट है, इनकी भी 10, 17 और 25 रियाल फीस होती है। पाकिस्तान में अगर आप रियाल लाकर चेंज करना चाह रहे हैं इस वक्त तो आपको 75 रुपये प्लस में ही रेट मिलेगा। और अगर आने वाले वक्त के मुतालिक बात करें यानी कि आने वाले 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह के बाद क्या रियाल मजीद ऊपर जाएगा, तो इसके मुतालिक मेरा मानना है कि अभी ये रुका रहेगा, 1-2 रुपये नीचे 1-2 रुपये ऊपर ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी छलांग के मुतालिक बात करें तो वो नहीं अभी लग सकती।